नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारा साइंस का ये चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि कोशिका संरचना और कार्य आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने करी, ठीक है, संरचना किस प्रकार की होती है और इसके क्या क्या कार्य हैं करके। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि कोशिका की खोज। तो सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन कॉर्क, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है 1665 में लकड़ियों की मृत जो कास्ट होती है उनके उनमें जो है ये डिस्कवर करी है, खोजी, ठीक है। सेल सेल अब हम सेल क्या है करके हम उसको जानेंगे कि कोशिका क्या है करते। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो है मूलभूत संरचनात्मक जो है इकाई है सजीवों के शरीर की, ठीक है। इसको हम अगर हम सही से परिभाषित करें तो इस प्रकार से होगा, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कोशिका जो है जीवों के शरीर की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है, ठीक है। अब अगला हम पॉइंट जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल्स नंबर शेप एंड साइज, यानी कि सेल्स के नंबर के आधार पर, सेल्स के शेप के आधार पर और सेल्स की साइज जो है वो कितनी होती है और क्या होती है करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स, तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, मतलब वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जो जीव एक कोशिका से बने रहते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। अब सेल्स के शेप्स के बारे में जानेंगे कि शेप्स कैसी होती हैं सेल्स की, कोशिकाओं किस का आकार किस प्रकार का होता है। तो सिंगल सेल्ड अमीबा हैज़ इररेगुलर शेप, तो जो सिंगल सेल होता है अमीबा जली जीव प्राणी है जो, वो उसकी अनियमित प्रकार की आकृति होती है, अनियमित आकृति होती है। WBCO ह्यूमन बॉडी आर सिंगल सेल चेंजिंग इन हर शेप, जो मनुष्य के शरीर में WBC हैं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो जो हैं अपना शेप बदलती रहती हैं, ये भी क्या हैं सिंगल सेल हैं। जनरली सेल्स आर राउंड सेफ्रिकल इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी गोल तुर्करू और अंतिम सिरों पे जो है बिंदुनुमा और समार ब्रांच लाइक नर्व सेल, और कुछ जो हैं शाखित भी होती हैं जैसे कि नर्व सेल्स होती हैं, ठीक। अब हम जानेंगे साइज ऑफ सेल्स, कि सेल्स के साइज कितना होता है करके। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, तो सबसे जो छोटी कोशिका है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक है। माइक्रोमीटर जो है बहुत ही सूक्ष्म जो है स्केल है एक, यानी कि अगर हम इसके बारे में कहें तो एक मीटर में जो है 10^6 जो है, एक मीटर में मतलब 10^6 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट जो सेल है वो है लगभग 170 × 130 मिलीमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी जो सेल है वो इतनी लंबी है अभी जो इसमें नोट देखते हैं, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, अभी तक जो सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर नर्व सेल्स, और ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी जो कोशिकाएं होती हैं वो नर्व सेल्स होती हैं, नहीं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। अब हम जानेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शन क्या कार्य हैं। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल मतलब जो कोशिका है वो मूलभूत संरचनात्मक और सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीव की। तो सेल में एक स्मॉलर पार्ट्स टिश्यूज, सेल्स जो होती हैं सेल्स मिलकर के जो हैं बहुत छोटे पार्ट्स बनाते हैं जिन्हें हम
विभिन्न सेल्स जो होती हैं वो मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं, यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं। टिश्यूज मेक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और जो विभिन्न ऊतक होते हैं, ऊतक मिलकर जो होते हैं वो शरीर के किसी अंग का निर्माण करते हैं। एंड ऑल ऑर्गन्स मेक टू टू ए ह्यूमन बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म, और सभी जो हैं अंग मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी का और एक ऑर्गेनिज्म का, यानी कि एक जीव का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे।